ઘડિયાળનો કાંટો બૂમો પાડી પાડીને કહે છે કે દેવાંશી બે વાગી ગયા છે, ચલો રસોઈની રમઝટ સ્ટાર્ટ કરીએ. તો જુઓ, ફરી અમે આવી ગયા છે રસોઈની રમઝટ લઈને, વાનગીઓનો ખજાનો લઈને. ભાઈ, શાંતા ક્લોઝ તેની રેડ મોટી બેગમાંથી જેવી રીતે બાળકોને ધીરે ધીરે ગિફ્ટ્સ આપે છે ને, બસ એવી જ રીતે અમે પણ અમારી વાનગીઓના ખજાનામાંથી રોજ બે બે વાનગી તમારી સાથે શેર કરીશું. તો આજે અમારા વાનગીઓના ખજાનામાંથી કઈ બે રેસીપી તમારા માટે છે, ચલો ઝટપટથી જોઈ લઈએ. તો આપણે પહોંચી ગયા છે કિચન ટેબલ પર. શેફ પંકજ આપણને શું શીખવાડવાના છે, પૂછી લઈએ આપણે એમને. તો પંકજજી, તમે અમને કઈ વાનગી શીખવવાના છો? આજ હમ સેમોલિના પોપ્સ બનાયેંગે, જો કે હમારી હોટેલ કી ક્રિએશન હૈ. અચ્છા. ઇસમેં હમ પોટેટો યુઝ કરેંગે, ઓલિવ્સ યુઝ કરેંગે, એલાપિનો, ચોપ પાર્સલે, ડ્રાય ઓરિગેનો, પાર્મેઝન ચીઝ, ચિલી ફ્લેક્સ, સનડ્રાઈડ ટોમેટો, સેમોલિના એન્ડ બટર. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરીશું આપણે? પહેલે હમ સબસે પહેલે એક બાઉલ લેંગે. અચ્છા. ઇસમેં હમ એક દો બડા સ્પૂન મેશ પોટેટો ડાલેંગે, જિસકો હમને ગ્રેટ કિયા હુઆ હૈ. અચ્છા. इसमें हम थोड़ा सा ऑलिव्स डालेंगे. आप ऑलिव्स ग्रीन और ब्लैक दोनों यूज कर सकते हैं, जो भी आपको मिले. ओके. थोड़ा सा स्वाद अनुसार हम इसमें सॉल्ट डालेंगे. अच्छा. और इसमें हम डालेंगे एलापिनो. जो एलापिनो जो चिली है वो मैक्सिकन चिली है, जो कि थोड़ी स्पाइसी होती है, थोड़ी सार होती है और थोड़ी मीठी होती है. ओके. तो इसको डालने से इसका एक टेस्ट चेंज हो जाता है. अच्छा. बहुत अलग ही फ्लेवर मिलता है इसको. इसमें हम थोड़ा सा चॉप पार्सले डालेंगे. चॉप पार्सले एक एक्जॉटिक हर्ब है जो कि कॉन्टिनेंटल खाने में यूज होती है. पार्सले एक ऐसी हर्ब है जो कि मोस्टली यूज होती है कॉन्टिनेंटल खाने में. और हम थोड़ा सा ड्राई ऑरिगेनो डालेंगे. ऑरिगेनो भी एक हर्ब है जो कि कॉन्टिनेंटल फूड में यूज होती है. और चिली फ्लेक्स, ये भी हम स्पाइसीनेस के लिए थोड़ा डालेंगे. और इसमें हम एक चीज़ डालेंगे जो कि पार्मेजन चीज़, जो कि इटालियन चीज़ है. yeah. जो कि इसको एक अलग ही टेस्ट देगा, एक चीज़ी टेस्ट देगा इसको थोड़ा सा. ये हम डालेंगे एक बड़ा टेबलस्पून और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. ठीक है. स्पाइसीज एंड इंग्रेडिएंट्स तो आपने बताया इटालियन ज लीधेला छे. यस. ये एक एक्सोटिक प्रिपरेशन है जो कि इसमें हम एक इंटरनेशनल फ्लेवर्स इसमें ऐड हो जाएंगे. इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. ठीक है. પંકજજી, સેમોલિના એટલે શું? સેમોલિના સૂજી કા જો ઇંગ્લિશ નામ હૈ, જિસકો ઇંગ્લિશ મેં સેમોલિના બોલતે હૈ ઓર હિન્દી મેં સૂજી. ઇસમેં હમ જો સૂજી યુઝ કરેંગે વો મોટી સૂજી યુઝ કરેંગે. દો તરહ કી સૂજી આતી હૈ, એક બારીક સૂજી આતી હૈ જો કી ફાઇન સૂજી હોતી હૈ ઓર એક હોતી હૈ મોટી સૂજી. હમ મોટી સૂજી યુઝ કરેંગે કોઝ ઇસસે એક ક્રંચીનેસ આયેગા ઇસમેં. અચ્છા. જિતના ટાઈમ હમ ઇસકો મિક્સ કર રહે હૈ उसी टाइम में हम इसको ऑन कर देंगे अपने इंडक्शन को, जिससे कि ये तेल गरम होता रहेगा. ठीक है. ठीक है. और एकदम प्रॉपर रीते मिक्स करवानो छे, प्रॉपर मिक्स होना चाहिए. अदरवाइज इसमें सॉल्ट एक जगह रह जाएगा, स्पाइसीनेस एक जगह रह जाएगा, तो जो टेस्ट है वो पूरा चेंज हो जाएगा. चेंज हो जाएगा. अगर इसको हमें बहुत ही अच्छा टेस्टी बनाना है तो इसको प्रॉपर मिक्स करना बहुत ही जरूरी है. ओके. और अगर कोई जैन है जिसको पोटैटो नहीं पसंद है या नहीं खा सकता है, तो वो इसमें रॉ बनाना आता है उसको यूज कर सकता है, उसका पेस्ट बना के उसको उसको यूज कर सकता है. ठीक है. ठीक. अभी ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है. ओके. इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज ये ऑयल में जाके फट भी सकता है अगर हमने इसको ठीक से मिक्स नहीं किया तो. अच्छा. अभी ये मिक्स हो गया है. अगर कोई जैन है जिसको पोटैटो पसंद नहीं है, तो उसकी जगह पर रॉ बनाना यूज कर सकता है, तो वो जैन में कन्वर्ट हो जाएगा. या श्योर. अब इसका हम बॉल बनाएंगे. इसमें हम सनड्राइड टोमेटो एक डालेंगे जो कि इसके अंदर होगा. और खाने लायक हो जाता है. अभी ये बॉल बन गया है, मतलब आपके आपने बॉल के बीच में वो रखा हुआ है, जो कि तब कोई खाएगा. हाँ. कोई भी गेस्ट हमारा या कोई आपका दर्शक जो खाएगा, उसको एक सनराइज टमेटो का एक खट्टा मीठा टेस्ट इसके अंदर मिलेगा. ओके. अभी हम इसको थोड़ा सा डिप करेंगे. अच्छा. ज्यादा डिप नहीं करना है, अदरवाइज इसके ऊपर जो कोटिंग होगा बहुत मोटा हो जाएगा और ये एक पकौड़े जैसा हो जाएगा, जो हम इसको नहीं करना है. मतलब आपने भजिया नहीं बनाना, એટલે ખાલી જસ્ટ એક સ્લાઇટ કોટ કરવાનું છે. ફિર ઇસકો હમ સેમોલિના મેં ડાલ દેંગે. ઓકે.
और एक हल्का सा कोटिंग आएगा इसके ऊपर। अच्छा, अभी ये हो गया आपका रेडी। इसके बाद हम एक दूसरा बॉयल बनाएंगे। अच्छा, अभी ये हमारे सेमोलिना पॉप्स रेडी हैं। ओके। इसको हम एक गरम तेल में, जो कि अच्छे से गरम होना चाहिए, उसको हम फ्राई करेंगे ठीक से, जो कि थोड़ा हल्का सा ब्राउन कलर आना चाहिए। अच्छा। इसको और खाने पर क्रंची लगना चाहिए बाहर से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट एंड चीजी, एकदम क्रिस्पी लागू है बाहर से। अब हम इसको वन बाय वन डीप फ्राई करेंगे। ओके। जब आप इसको डीप फ्राई कर रहे हैं तो इसको ध्यान रखें कि ये अलग अलग रहे, एक दूसरे से चिपके ना, अदरवाइज ये चिपक जाएगा और ये फिर तो हम इसको निकालेंगे और उसको अलग करेंगे तो ये फट जाएगा। फट जाएगा, तो इसलिए ध्यान रहे कि एक दूसरे से चिपके ना। ओके। इलेने कंटिन्यूस अपने हलावुच पर से कंटिन्यूस इसको हिलाते रहना है जो कि आपस में चिपके ना। ओके। इसको कंटिन्यूस हिलाने का एक ये भी रीज़न है कि अगर हम इसको हिलाएंगे नहीं तो ये नीचे से ब्राउन हो जाएगा एक जगह से और चारों तरफ ब्राउन नहीं होगा। ओके। अभी ये हो गया है। yeah. इसको हम निकाल देंगे। okay. और इसको पेपर के ऊपर रख देंगे, टिश्यू पेपर, क्योंकि सारा ऑयल है वो इसको सोक कर लेगा पेपर। ठीक है। ओके। इसको हम थोड़ा हाथ से, अब ये बिल्कुल बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट एंड चीजी। एग्जैक्टली। ओके। अब हम इसको सर्व करेंगे। જોઈને જ આમ ખાવાની મન થઈ જાય. યસ, બિલકુલ ચીઝી. ઇસકો હમ ગાર્નિશ કરેંગે. ઓકે. પાર્સલે સ્પ્રિગ સે. યે હે ચેરી ટોમેટો, ડીપ ફ્રાઈડ ચેરી ટોમેટો. અચ્છા. ગાર્નિશિંગ મે. ઓર યે હે લીક્સ. સોક્ડ ઇન મિલ્ક એન્ડ ફ્રાઈડ. યે લીક્સ. યે હે હમારા સેમોલિના પોપ્સ, બહાર સે ક્રંચી, અંદર સે ચીઝી એન્ડ સોફ્ટ. ઓકે. વરસાદનો મોસમ હોય અને ક્રંચી સેમોલીના પોપ્સ ચા સાથે ખાવા મળી જાય તો મજા આવે ને? રેસિપી લખવી છે ને, પણ એ પહેલા એક નાનકડો બ્રેક. વેલકમ બેક ટુ રસોઈની રમઝટ. ચા સાથે ખાવા માટે ક્રંચી સેમોલિના પોપ્સની રીત લખી લો. સેમોલિના પોપ્સ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ બાઉલમાં 2 ટેબલસ્પૂન બાફેલા બટાકાનો માવો, 1 ટેબલસ્પૂન ઓલિવ્સ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 ટીસ્પૂન અલીપુનોચ, 1 ટીસ્પૂન પાર્સલે, 1 ટીસ્પૂન ઓરેગેનો, 1 ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ, 1 ટીસ્પૂન
चीज एड करीने स्टफिंग रेडी करो। त्यार पछी स्टफिंग माथी बॉल्स रेडी करीने वच्चे टमेटा ना पीसेस एड करो। बॉल्स ने मैदा ना बैटर मा डिप करीने रवा मा कोट करो। तेल गरम करीने बॉल्स ने डीप फ्राई करी सर्विंग प्लेट मा एड करीने पार्सले चेरी टमेटो थी गार्निश करीने सर्व करवू। तो तैयार छे सेमोलिना पॉप्स। સેમોલીના પોપ્સ તો આપણે શીખી લીધું છે, બીજી કઈ વાનગી આપણે શીખવાના છે? પૂછી લઈએ શેફ પંકજને। પંકજજી, તમે એક સ્ટાર્ટર તો અમને શીખવી દીધું, બીજી કઈ વાનગી શીખવાના છે? દૂસરા સ્ટાર્ટર હે હમારા ચીઝ રોલ, જિસમે મોસ્ટ ઓફ ધ પાર્ટ ચીઝ હોગા ઓર ઉસકો ખાતે હી આપકો મેલ્ટેડ ચીઝ ઉસમે સે નિકલેગા। અચ્છા, તો યે બહોત હી ચીઝી સ્ટાર્ટર હે। ઇસકો બનાને કે લિયે હમ પ્રોસેસ ચીઝ, ચિલી ફ્લેક્સ, બેલ પેપર ચોપ્ડ, હેલાપીનો, ઓરિગેનો एंड पैंकोक्रम। पैंकोक्रम एक क्रम है जो कि जापानीज क्रम है। इसी जगह पर आपको पैंकोक्रम नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल ब्रेड क्रम यूज कर सकते हैं। और ये हम मैदा का एक बैटर। अच्छा। और थोड़ा सा पानी हमको लगेगा इसमें। ओके, तो सबसे पहले आपने सुगरी सो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना मिक्सचर बनाएंगे जो कि अंदर स्टफिंग हमको डालना है। इसमें हम 2 बड़ा चम्मच प्रोसेस चीज। ओके ओके, उसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, 1 टीस्पून बेल पेपर, कलर्ड बेल पेपर येलो, ग्रीन और रेड। अच्छा। थोड़ा सा एलापिनो मैक्सिकन चिली, थोड़ा सा ड्राई ऑरेगानो। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमको सॉल्ट डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो चीज़ है वो ऑलरेडी बहुत सॉल्टी है। अच्छा। ठीक है, अलग से डालना नहीं है सॉल्ट। इसको हम हाथ से अच्छी तरह मिलाएंगे बिकॉज इसको ठीक से सब कुछ मिक्स होना चाहिए। यस, कलरफुल लग रहा है। हाँ, जब आप इसको खाएंगे आपको बेल पेपर, चिली का थोड़ा सा स्पाइसीनेस और चीज़ का पूरा जो चीज़ मेल्ट होता है वो आपको मिलेगा। आ? ये मिक्सचर हमारा पूरा रेडी हो गया है। अच्छा। इसको हम साइड में रख देंगे और अभी हम इसको स्प्रिंग रोल शीट में, ये एक स्प्रिंग रोल शीट है जो कि बाज़ार में भी अवेलेबल है रेडीमेड, इसको हम इसमें रोल करेंगे। रोल करने के लिए थोड़ा सा पानी लगाएंगे। हाँ, थोड़ा सा इसके ऊपर पानी लगाएंगे जिससे चिपक जाए। और हम ये मिक्सचर इसमें स्टफ करेंगे, हल्का सा उसका बोल बना के। हाँ, रखेंगे हल्का सा रोल बना के। अब ये रोल हम इसको रोल करेंगे, इसको बिल्कुल ही नाइसली रोल करना है जिससे कि ये फटे ना। तो हम इसको फ्राई करेंगे, इसको ऐसे बंद कर देंगे एक तरफ से सील, दूसरी तरफ से भी इसको सील कर देंगे। इसके बाद इवीज रीते भरेलो छे कि अंदर ती निकड़ी ना जाए फ्राई। हाँ, करते वक्त है, राइट। इसको स्टफिंग का ध्यान रखना क्योंकि ये चीज है। हाँ। और जो ऑयल में जाके एकदम से ये गर्म होगा तो ये इसका निकलने के चांसेस है। ठीक है, इसको रख के दोबारा से हम इसको रोल करेंगे। अभी इसके बाद हम इसको पैंको क्रम में क्रम करेंगे। ओके, अभी हम इसको बैटर में डालेंगे। ओके, क्योंकि बैटर बहुत थिक है, ये क्रम को अच्छे से ले लेगा। अच्छे से इसको खाली कोटच करो। हाँ, हल्का सा कोटिंग देना है। ओके, जिससे कि ये इसको और क्रम में इसको लगा देंगे। ये हाँ, ये पैंको क्रम इस बैटर की वजह से इस पर पूरा चिपक जाएगा। ये अभी ये पैंको क्रम इसको हमने लगा दिया है, अब हम इसको अच्छे से शेप देके इसको रख देंगे। हमारा तेल गर्म हो गया इसकी डीप फ्राइंग के लिए। इसका जो तेल है वो बहुत ही हाई फ्लेम पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, अदरवाइज ये फट जाएगा। अच्छा। ओके, ठीक है, अभी हमारा ये रोल डीप फ्राइंग के लिए रेडी है। इसमें तेल भी बिल्कुल स्मोकिंग हॉट हो गया है, तो अब ये अच्छा टाइम है कि हम इसको डाल दें। बहुत ही जल्दी जल्दी डालना है नहीं तो ये फट जाएगा। જેટલું જલ્દી નાખ્યું આપણે એટલું જ જલ્દી બહાર કાઢી લઈશું। હા બિલકુલ, નહીં તો એ ફટ જાયેગા। ઓકે, અબ ઇસકો
हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे इसके ऊपर जिससे इसका तेल सोक हो जाए पेपर पर, और इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। एकदम क्रंची है। यस बिल्कुल, चीजी अंदर से चीजी सॉफ्ट और बाहर से क्रंची। अब ये हमारा चीज रोल रेडी है, अब इसको सर्व करेंगे। सर्व करने से पहले हम इसका थोड़ा गार्निशिंग करेंगे। ओके। जो कि थोड़ा सा आप टमेटो केचप लेके इसको ऐसा कर सकते हैं, और थोड़ा सा पार्सले। इसके साथ सर्व करने के लिए आप टमेटो साल्सा, टमेटो केचप और बारबेक्यू सॉस इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। बेस्ट इसके साथ बारबेक्यू सॉस जाता है, बिकॉज वो खट्टा मीठा और ये चीजी और क्रंची रहता है। तो इस मानसून के मौसम में भी ये बहुत ही अच्छा एक स्नैक्स है। घर पे आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। इजीली। ओके। તમે પણ એને ઘરે બનાવો તો નોટ કરી લો નો ક્વિક રિકેપ। ચીઝ રોલ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ એક બાઉલમાં 2 ટેબલસ્પૂન ચીઝ, 1 ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ, 1 ટીસ્પૂન કેપ્સિકમના પીસીસ, 1 ટીસ્પૂન મરચાના પીસીસ, 1 ટીસ્પૂન ઓરેગેનો એડ કરીને સ્ટફિંગ રેડી કરો। ત્યારબાદ સ્પ્રિંગ રોલ શીટ પર રેડી કરેલું સ્ટફિંગ ભરીને કિનારે પર પાણી સ્પ્રેડ કરીને રોલ રેડી કરો। ત્યારબાદ રોલને મેંદાના બેટરમાં ડિપ કરીને ક્રમ્સમાં કોટ કરો। ત્યારબાદ તેલ ગરમ કરીને રોલ્સને ડીપ ફ્રાય કરો। સર્વિંગ ડિશમાં રોલ મૂકીને ટોમેટો કેચઅપ પાર્સલેથી ગાર્નિશ કરીને સર્વ કરવું। તો તૈયાર છે ચીઝ રોલ। પંકજજી, તમે અમને સરસ મજાની બે વાનગીઓ શીખવાડી, એના માટે તમને આ ગિફ્ટ મળે છે। થેન્ક યુ સો મચ। અને આગળ પણ તમે આવી જ રીતના વાનગીઓ શીખવાડો, એના માટે ઈટીવી અને રસોઈ ની રમઝટ તરફથી આ સર્ટિફિકેટ મળે છે। કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ। જો તમને પણ રસોઈ ની રમઝટમાં પાર્ટિસિપેટ કરવું હોય તો નોટ કરી લો એડ્રેસ અને ઈમેલ આઈડી A101 કોમર્સ હાઉસ 5 કોર્પોરેટ રોડ પ્રહલાદ નગર અમદાવાદ 380051। આપ અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો rasoiniramzat@etv.co.in। દરેક વાનગીની એક અલગ જ ફ્લેવર હોય છે, આજની બંને વાનગીઓની મેં તો ટેસ્ટ કરી લીધેલો છે। તમે પણ તમારા ઘરે બનાવો ને તમારા પ્રિયજનોને ચખાડો અને મને પણ બોલાવો। પણ અત્યારે તમારો જવાનો સમય થઈ ગયો છે, તો ટિલ ધેન સ્ટે ફૂડી એન્ડ કીપ સ્માઈલિંગ।